व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, होप यू आर फाइन। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो हियर इज़ माई ब्लॉग। हम लोग कराची जा रहे हैं, स्टार्टिंग में मैंने बता दिया सब कुछ। तो मैं ब्लॉग इसलिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा यूट्यूब का चैनल है और मेरा यूट्यूब का चैनल और मेरी मर्जी, सॉरी फॉर चॉइस। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जा रहा था कराची किसी काम से, वो जाके आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब जिस दिन वो काम होगा उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि मैं कराची किस वजह से आया था। बट मैं जा रहा हूँ कराची और मेरे साथ दो नमूने और हैं, आगे जाके आपसे मिलवा दूंगा उनको। बट बात ये हो रही है कि हम जा रहे हैं ट्रेन से, बिकॉज मैं और फहाद ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी जिस वजह से हम बाय एयर नहीं जा सकते। बट हमारे साथ साहिल भी ट्रेन में जा रहा है, बिकॉज वो अकेला नहीं जाएगा वहाँ पे और हम दो भी अकेले नहीं जाएंगे, इसलिए साहिल हमारे साथ होगा ट्रेन में। उसे भी हमारे साथ भुगतना पड़ेगा 16 घंटे का सफ़र। कुछ भी हो, जब दोस्त साथ होते हैं तो 16 घंटे क्या 16 साल भी गुजर जाते हैं जब आपके अच्छे दोस्त आपके साथ हों, तो 16 साल भी कुछ नहीं रहते। तो हम लोग जाएंगे ट्रेन से क्योंकि असल में साहिल ने वैक्सीन लगवाई थी, बट वो हमारे साथ जाएगा, उसे भी हमारे साथ भुगतना पड़ेगा। लेकिन इंशाल्लाह मैं वहाँ कराची जाके वैक्सीन लगवाऊंगा या फिर यहाँ वापस आके वैक्सीन लाजमी लगवाऊंगा। अगर आप में से भी किसी ने नहीं लगवाई तो लाजमी लगवा दीजिएगा। ये जो अफवाहें हैं वैक्सीन के बारे में, ये होता है वो होता है, ये देखा जाएगा, ये सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो। सो ये मेरा कमरा बहुत ज़्यादा गंदा है आज फिर, बट मैं इसको साफ़ कर देता हूँ जो ही उठता हूँ उसके बाद साफ करता हूँ। लेकिन आज मैं जल्दी में हूँ, आज मैं मम्मी से कहूँगा कि आज वो कर दें मेरा काम, तो कमरा वगैरह साफ़ हो जाएगा। बट ये मैंने बैग यहाँ थोड़ा सा डस्टी हुआ नीचे रख के, तो मेरा बैग पैक है और बीच में दो तीन जोड़े कपड़े के रखे हैं क्योंकि कराची जाना है, तो वहाँ पर जाके शॉपिंग कर लेंगे यार, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो बस निकलने लगा हूँ बैग शैग पकड़ के, उसके बाद इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं फिर रास्ते में। सो गाइस, हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और मेरे साथ गुल्लू है। ठीक है गुल्लू, आप कुछ कहना चाहेंगे इस व्लॉग के बारे में? आमीन आमीन। और मेरे साथ आके दो शहजादे बैठे हुए हैं, ये हैं ये बॉय। ओ ये और नाल कौन है तुम्हारे यार? मेरी गाल सुना, तेरा कैमरा खराब है कि शक्ल मेरी खुद ही नहीं है, गुंडावा कैमरा लेता ही है। तो अभी सारे ये लगा रहे हैं, लेनी है वो शॉपिंग करने जा रहे हैं। अभी हम सफर में, हमने रात के 2 बजे की टिकट कराई, जैसा हमने कहा था कि साहिल ने वैक्सीन लगवाई हुई है, हम तो नहीं लगाई, तो हमारी साहिल भी मतलब ट्रेन में सीटें खाएगा। कोई नहीं बाबा, यार से कुछ छोड़ता तो बाबा आउटफिटर का फैन है, दिमाग खराब हो भावे आउटफिटर सारा चुक ले आवे, आउटफिटर डाका मारे मनी इन्हों पैसे भी चाहिए, इन्हों झंडा चाहिए, क्योंकि हमारा काम ऐसा यार वीडियो बनानी होती है। ये फहद ने जबरदस्ती लेके दिया था, वरना मेरा कोई मूड नहीं था। अभी कह रहा है मैं बैग चेंज करा दूंगा, अब वो भी जबरदस्ती मेरा खर्चा करा रहा है, इससे मुझे कंगला करा देना किसी दिन, ये जो गन्ने गन्ने शौक पाल पैसे तो तुम्हें कब्र में लेके जाने। मैं और फाद इधर बैठे हुए कब से इंतजार कर रहे हैं, साहिल का अभी तक आया ही नहीं है, पत्नी किधर बढ़ गया अभी समझ नहीं आ रही है। सो कहाँ से निकाला, एक तो गया भी पत्नी कहाँ पे चला गया, लगता है आउटफिट वालों ने इसको पकड़ लिया। आए तो फिर निकलते हैं हम यहाँ से, क्योंकि मेरा तो यू नो दिल भर गया शॉपिंग के लिए। वाइट जीन्स मैंने भी लेनी है, थैंक्स यू सो मच फॉर रिमेम्बरिंग मी। ट्राई कर लो। गाइस अली के लिए हम शॉपिंग करने आए। अली को बर्थडे पे गिफ्ट क्या देना है अली को बर्थडे पे? गर्मी जरा भी नहीं है। ओ अच्छा। तो गाइस सीन ऐसा अली के लिए गिफ्ट ले रहे हम लोग, ये ले लेंगे, अच्छी चीज अच्छी चीज बोल रही है, आप भी बहुत अच्छे हो। अली के लिए हम गिफ्ट ले रहे हैं इधर बर्थडे से, तो अली माफ करना सॉरी अगर। अच्छा गाइस सीन ऐसा है की शबला मार है। सो रात के बज रहे हैं 1:30 और मेरे साथ साहिल भट्ट है और मोहम्मद फहद है और अभी हम जा रहे हैं ट्रेन स्टेशन में। मैं साहिल भट्ट नहीं हूँ। आप साहिल भट्ट हैं प्लीज। सागर। हाँ सागर है। ओ हाँ यस सागर है। अब रात के 1:30 बज रहे हैं, बिल्कुल रोड खाली है और हम लोग स्टेशन की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमारी टिकट 2 बजे की है रात की, तो हम आधा घंटा पहले जा रहे हैं।
सो लगता है हमारी ट्रेन आ गई है और ये पास मुझे कह रहा है कि अपना व्लॉग बंद करें या तो मैं अपना शुरू करूंगा। ओके गाइस, तो मैं अपना व्लॉग बंद करूं। मेरे घर से इधर उधर भी लोग चले आए हैं। जी इधर हां तुम जी मैं क्या करूं अकेला। उसको टाइम गाइस, हमने साहिल को पकड़ा हुआ है इस व्लॉग में। आपको साहिल दिखाई देगा। तो उनने बोला यही बोगी है, 9 नंबर बोगी, इसमें जाके सामान रखना अपना, जहाँ पे सामान बढ़ाता है। ठीक है, लेट्स गो। हम ये सामान उठाते हैं और आपसे मिलते हैं सीधा ट्रेन के अंदर। बर्फ़ सोया हुआ दिख रहा है आपको? नहीं कर व्लॉग बन रहा, कह रहे हैं नहीं कर। और ये नीचे साहिल बट यूज़ कर रहे हैं फ़ोन। तो अभी हम सफ़र पे निकल गए हैं, अभी हम सोने लगे हैं। तो साहिल बट भी अपनी शक्ल ही दिखाएंगे ना, पहाड़ मोहम्मद पार्ट 27 दिखाएंगे। मैं भी नहीं दिखाऊंगा, तो हम सोने लगे हैं। तो फिर हम जब जागेंगे तब आपसे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। ये फहद क्रीम लगा रहा है इस टाइम, सुबह का टाइम हो गया। साथ ये नीचे देखिए, ये बॉय हमारा बॉय है। देखो लोग मुंह में मास्क पहनते हैं, इसने आंखों में मास्क पहना हुआ। क्या हालत बनाई है। मैं अपनी शक्ल दिखाता हूँ आप लोगों को, अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगे तो मैं ब्लर कर दूंगा, आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अभी हम लाहौर से थोड़ा सा आगे पहुँचे। मैं और फहद ने थोड़ी थोड़ी नींद पूरी की है। ये पता नहीं किस तरह सो गया यार, किस तरह सो गया ये। अब फहद थोड़ा सा सोच रहा है कि करूँ क्या मैं, अब ट्रेन में जाग तो गया हूँ, अब आंखें भी नहीं बंद होंगी तो इसको फिर अंगड़ाइयाँ आ रही हैं। बस अभी सफ़र काफ़ी लंबा है। हमें इन अंकल ने बोला है कि ट्रेन पहुंचेगी कल सुबह 6 बजे, आज रात 2 बजे नहीं थी, कल सुबह 6 बजे पहुंचेगी। इसका मतलब 26 घंटे ऑलमोस्ट लगेंगे, 28 घंटे। तो अब देखते हैं इस 28 घंटे में क्या क्या होता है। अगर 28 घंटे पूरा है तो ये शायद व्लॉग हम उससे पहले एंड करें, फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग शायद कराची में जाके मिले। सो हम उठ चुके हैं और साहिल की वीडियो बनाने लगा हूँ यहाँ पे। साहिल ने कहा यार अच्छा व्यू आ रहा है तो एक वीडियो बना लो, मैं उसकी वीडियो बनाने लगा हूँ। उसके बाद फहद अभी अंदर लेटा हुआ है। अभी हम लोग किसी स्टेशन का इंतजार कर रहे हैं, कहीं स्टेशन रुके तो हमने नाश्ता करना है। हम नाश्ता करने लगे, हमने कहा था ना नाश्ता काफ़ी लेट हो गया, तो इन अंकल ने हमें नाश्ता ऑफर किया और वो दोनों नाश्ता देख के तो कहते हैं बस आओ ना ताओ, देखा स्टार्ट हो गया नाश्ता करना। अभी टाइम जो हो रहा है वो 2:30 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, और अभी हमने सुबह 6 बजे पहुँच बज रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं यार, इतना एक ही साहब है। अपना 12 Pro Max दिखाना चाहता है, जानबूझ के बार बार हर बार फोन कैमरे के अंदर ले आता है। तो इसे 13 Pro Max दिखाना चाह रहा है, इसके पास अपना 13 Pro Max है। देखा इसके एक्शन, देखे गलती से 12 Pro Max बोला तो इसका सांस निकल गया, सारे पैसे बर्बाद कर दिए नाम बोल के इसने। ये देखे फोन बात पे ऐसे कर देता है, ये ऐसे करता है फोन लेके ना। हाँ क्या बोल रहा है, इधर आ। तो इस तरह की हरकत करता है। तो इसको कहे कि माशाल्लाह अल्लाह चलाना सीख रहे, बस संभाल के रखे कि ने कराची से वेख लिया था कि ने फाड़ा लेना इतने महंगे फोन। यार हम सोने लगे, अब कोई स्टेशन आए तो कुछ खाने के लिए लेंगे, फिर सो जाएंगे, फिर खाने के लेंगे, फिर सो जाएंगे, फिर कराची में उठेंगे, कराची में उठेंगे। फहद और साहिल दोनों सोए हुए हैं। मैं फ्रूट चाट वगैरह लेके जाऊंगा। क्या अनार भी है, केले भी हैं, माल्टे भी है, पपीता है, अनार है, सेब है, केला है, और ये है अपना अमरूद है, सब कुछ है। मैं फ्रूट वगैरह लेता हूँ, फिर उसके बाद साहिल लोगों के पास जाते हैं। ठीक, कैसा लगा टाइम क्यों हुआ? बहुत अच्छा। साहिल कैसा लग रहा है? देखो साहिल का खाने का स्टाइल ये देखें, चाट खा रहा है, ये भी खा रहा है, मैं भी खा रहा हूँ। यार बहुत ज़्यादा सफ़र है, अभी भी बहुत ज़्यादा सफ़र है, और ये ट्रेन स्टार्ट होने लगी। हम जो ही बाहर आए हैं, ट्रेन स्टार्ट होगी, फास्ट चले वापस, चलो हमारी किस्मत ही माड़ी, हम कहीं बाहर इंजॉय करने के लिए निकलते हैं तो ट्रेन स्टार्ट हो जाती है। और आई थिंक ये कराची तो नहीं है। चलो जी ट्रेन स्टार्ट होगी, चलो चले वापस। अभी हम उतरे ही थे, इसको मैं घंटे से मिलते करा तब नहीं चल उतरा, अब जब ये उतरा है ट्रेन स्टार्ट होगी और अब चलो चलो आ जाओ फहद, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये नाइस। ओके फिर गाइस वापस अंदर आ गए, वापस ब्लॉग बंद। हम क्या कहते हैं कैंट पहुंचने वाले हैं, मतलब स्टेशन में पहुंचने वाले हैं। फाइनली सुबह 6 बजे का टाइम है। फहद सारा लंडे का सामान बाहर निकाल रहा है, ये देखें ब्रांड भी निकाल रहा है, लंडा भी निकाल रहा है। तो फहद फाइनली पहुंच गए, अब तो खुश होना, थोड़ा बहुत चेहरे में रौनक है, खुशी आ रही है। तो बस अभी हम निकलेंगे, स्टेशन में जाएंगे, बस 2-3 मिनट रह गए, सुबह स्टेशन पहुंचेंगे, उसके बाद कुछ खाना है क्योंकि यार भूख लगी। मैंने बोला भी था कि ट्रेन में हमने खुल के खाया नहीं है उस तरह, तो हमने कुछ खाना पीना है।
ये सारी आवाम इस्तकबाल के लिए आई है साहिल और फाद की। जी हेलो, हाँ एक मुंह नहीं ला रहे भाई। बहुत ज्यादा बहस के बाद इन दोनों ने 400 रुपए में फरारी करवाई है, क्योंकि सीन ऐसा था हमारी स्क्रीन नहीं थी, हमारे पास स्क्रीन ऐप डाउनलोड नहीं थी। मेरे पास थी लेकिन ये कि मैंने उनका बैलेंस दे रहा, मैंने कुछ कार दे रहा उनका 250 रुपया। तो इससे बहुत बहुत ज़्यादा मेहरबानी इनकी कि हमने इनने हमें यहाँ पे भी रिसीव कर ली है। ब्रो तुम्हारा नहीं ले, मैं वजी भाई कैसे हो आप? ठीक हो? मैं तो वजी से मिल गया। ओके फिर सही है। कैसे हो? सुबह से फ्रेश हो? बस फ्रेश सो सोएंगे। ये देखो बस ये फूडी लवर, अगर किसी ने वांट की स्टोरीज देखनी है वांट की स्टोरी। अच्छा अभी थोड़ी देर में। आप कैसे हो ब्रो? ये मास्क पहन के भी। ओह माय गॉड, देखो यार मैं उतार हूं। ओके ब्रो कैसे हो ब्रो? मैं कार चलो पहले उधर चलते कार चलते ना आगे नहीं आया यार हूं फिर भी हले तक बो आ चलाओ यार हैदर। अरे मेरा अलग सीन है, मेरी बातें नहीं करता है। चलो जी सो गाइस हम लोग फहद के ब्लॉग पे वापस आए हैं। ओहो आई मीन स्टार्ट करें तो हैदर साहब किस टाइम फहद का नहीं मेरा फोन ही है। नहीं नहीं फहद ये तो क्लिप पे ड्रॉप लेगा। तो फाइनली गाइस ये देखिए अली कुकिंग भी करता है आप लोगों को आज बता रहा। ये कब से सीख ली है तुमने? हम क्या बना रहे हो? बस आपके लिए कुछ भी मैं नाश्ता बना रहा हूं यार। रोला काट नाश्ते में क्या है? चिकन पैटीज बर्गर्स और फ्राइज। तो ये नाश्ता बना रहे हमारे लिए स्पेशल सुबह सवेरे। अभी लाइटर देना अपना है। ये लो लाइटर देता हूँ ना मैं। लाइटर है मेरे पास। ये लो ये साहिल का रह गया था मेरे पास। सो गाइस ये देखिए लाइट आग लगी थी फिर भी इससे लाइटर मांगा शिरकत की। तो अभी सारा ऑयल गिरा दिया। ये लो बरकत है किस तरह की है। मैं कुछ भी इस तरह का नहीं करता बट ये है कि ये कुछ बनाएंगे कुछ खाएंगे तो लगता है मुझे इधर ब्लॉग एंड करना पड़ेगा। मुझे ब्लॉग नहीं बनाने के लिए फिर गिरा रहे ऑयल। इसको तो ये फ्राई पैन सीधा नहीं रखने आ रहा था यार। ये साहिल पागल का साहिल तूने कभी देखा नहीं फ्राई पैन? ओह माय गॉड फ्राई पैन भाई बोल रहा है। कभी फ्राई पैन नहीं देखा। और मिलते हैं।